नमस्कार दोस्तों आप सभी का इंडिया के मोस्ट नंबर वन यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है नियो वर्ल्टेक। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आज जिस भर्ती की हम बात करेंगे वो है रिलायंस जियो में आई बम्पर भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, बम्पर वैकेंसी है और यहाँ पर योग्यता सिर्फ 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर आवेदन कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप 12वीं पास हैं, ITI हैं, ग्रेजुएट हैं, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं या फिर MBA भी किया हुआ है आपने, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरियस कैटेगरीज के अंदर वैकेंसीज निकाली गई है। यहां पर आप देख सकते हैं, सीधा हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। वेरियस कैटेगरीज के अंदर वैकेंसीज निकाली गई है, विभिन्न पदों पर ये वैकेंसी है और इस वैकेंसी के लिए आप जरूर आवेदन कीजिएगा क्योंकि बम्पर वैकेंसी है। लगभग 10,000 के आसपास ये पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बात करते हैं पूरी वैकेंसी की। दोस्तों यहां पर योग्यता 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा डिग्री और ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है और ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं आप जरूर आवेदन कीजिएगा, चाहे आप राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, कहीं भी आप रहते हैं तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है और एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 60 साल है। जी हाँ दोस्तों, 18 से 60 साल की अगर आपकी आयु है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल, लड़के लड़कियां दोनों इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप आवेदन जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहां पर मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, इसकी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की अपडेट मिलती रहे तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। चलिए दोस्तों फटाफट से समय गवाए बिना बात करते हैं पूरी इस रिक्रूटमेंट की। दोस्तों रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। जॉब टाइप है MNC फ्रेशर जॉब। जी हां दोस्तों, यहां पर कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और जॉब कैटेगरी है IT जॉब्स की, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है, ठीक है। और यहां पर टोटल वैकेंसी है 8,000 से भी अधिक पदों पर और एप्लीकेशन मोड सिर्फ ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, ये ऑनलाइन फॉर्म है, इसको आपको कैसे भरना है वो प्रोसेस भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहां पर पहली पोस्ट है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी है बिजनेस ऑपरेशन, तीसरी है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद है IT एंड सिस्टम्स की पोस्ट है और कस्टमर सर्विसेज की पोस्ट है, ऑपरेशंस की पोस्ट है, सप्लाई और चेन की पोस्ट है, उसके बाद में आप देख सकते हैं फाइनेंस कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग की पोस्ट है, एडमिन सर्विस की पोस्ट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट है, HR ट्रेनिंग की पोस्ट है और मार्केटिंग लीगल एंड अदर पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों यहां पर काफी वेरियस कैटेगरीज के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है और क्वालिफिकेशन की अब बात करते हैं योग्यता की। तो दोस्तों यहां पर शुरुआत में अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो आप जरूर इस वैकेंसी के लिए आवेदन कीजिएगा क्योंकि यहां पर 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बिना अनुभव के भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास में अपर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 12वीं पास अगर आप हैं या ITI भी है या डिप्लोमा होल्डर है या डिग्री होल्डर है, अगर आप BE/BTECH हैं या अगर आप MBA क्वालिफाइड भी हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यहां पर सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है आवेदन करने का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज इस वैकेंसी के लिए जरूर आवेदन कीजिएगा। आवेदन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 60 साल, ठीक है। तो 18 से 60 साल की उम्र के बीच के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके बाद यहां पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। असेसमेंट में आपकी टेस्ट होगी और आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू होगी, ठीक है। उसके बाद आपका रिव्यू होगा, ऑफर होगा और आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपकी टेस्ट होगी, सिंपली नॉर्मल टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होती है, उसके बाद आपकी यहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। और आपको आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, सारे स्टेप यहाँ पर दे रखे हैं, कैसे आपको साइट पर जाना है, कैसे आपको आवेदन करना है। आपको हमारी साइट का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरी भर्ती की पूरी वैकेंसी की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, करियर पेज और ऑफिशियल वेबसाइट, इन सभी का लिंक आपको हमारी साइट पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आवेदन कैसे करना है आपको इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधा नए पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। सपोज कीजिए जैसे कि मैं बिजनेस ऑपरेशन के लिए क्लिक करना चाहता हूँ, यहाँ पर इसके लिए आवेदन करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे किस किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, किसी के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां पर इसका नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर सारी आपको जानकारी इस नोटिफिकेशन पे भी मिल जाएगी, ठीक है। और यहां पर आपको करना क्या होगा, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दो ऑप्शन आपके सामने हैं। आप अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और अगर आप चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन में आप मॉडिफाई करना तो आप लॉगिन करके भी आप आगे मॉडिफाई कर सकते हैं या आप आपके आगे फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है आपका खुद का, उसके बाद
बाद में कंफर्म करना है पासवर्ड को, आपका फर्स्ट नाम डालना है, लास्ट नेम डालना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया के हैं या अदर कंट्री के हैं आप, ठीक है। उसके बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंफर्म करना है, ठीक है। इस प्रकार आप इसकी वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो डिटेल्स है आपकी, जो रिज्यूम बायोडाटा है वो आपको अपलोड करना है, या फिर आपकी जो भी डिटेल्स मांगता है वो आपको फिल करनी है, आपको आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस हो तो आप जरूर डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको वरीयता दी जाएगी एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो भी आपका एड्रेस है वो डालना है, आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी मार्कशीट है, जो भी सर्टिफिकेट है, उनकी सारी डिटेल्स आपको डालनी है। उस प्रकार आप उसको वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे, आपको फॉर्म को सबमिट भी करना होगा, ठीक है। इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या शंका हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर टाइप कीजिएगा आपके जो भी सवाल है, हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर इसी प्रकार आप लेटेस्ट अपडेट पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाएं और घंटी का बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।